अस्सलाम वालेकुम। औरत के कितने रूप होते हैं, कोई मोहब्बत के लिए कुर्बानी देती है और कोई मोहब्बत के लिए जान ले लेती है। अपनी बहन को मार दिया उसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, लेकिन फिर किस तरह उस आदमी को उसकी मोहब्बत मिली। चले बढ़ते हैं एक और सच्ची कहानी की जानिब। उससे पहले हमारे चैनल सैयद वॉइस को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज वो फिर स्टोर में आई हुई थी। वो एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, बहुत खूबसूरत, 7-8 बरस की और बहुत जहीन। उसका घर शायद बराबर ही में था, इसलिए वो दिन में 2-4 चक्कर लगा लिया करती थी। लेकिन मैंने उसे कभी तन्हा आते हुए नहीं देखा। उसके साथ एक मोटी सी मुलाजमा भी हुआ करती थी। मैं जिस स्टोर की बात कर रही हूँ वो कोई आम स्टोर नहीं बल्कि एक सुपर स्टोर है, बहुत कीमती, शहर के एक बहुत बेहतरीन इलाके में। सामने आलिशान बंगलों की कतारें थीं, दरमियान में एक सड़क, सड़क के उस तरफ कमर्शियल एरिया। हमारा स्टोर उसी एरिया में था। हमारे स्टोर से मुराद ये है कि मैं वहाँ जॉब करती। मैंने बीकॉम कर रखा था, बैंक वगैरह में मुलाजमत की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। फिर अखबार में इस स्टोर का इश्तहार देखा। उन्हें एक तरह की निगरान की ज़रूरत थी। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। सैलरी भी बहुत माकूल थी। स्टोर का बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा था। ये स्टोर चूँकि एक बहुत बड़ी कंपनी का था, इसलिए सेठ और मुलाजिम जैसी कोई बात भी नहीं थी। हाँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो आने जाने की थी। मेरा घर वहाँ से बहुत फासले पर था, लेकिन सहूलत ये थी कि एक बस के ज़रिए वहाँ आ जाया करती थी। मैं बहुत सुकून से जॉब कर रही थी। उस बच्ची को जब मैंने पहली बार देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बास बच्चे ऐसे ही होते हैं कि एक बार में दिल मोह लेते हैं, और बास लोग भी ऐसे होते हैं जैसे शेराज। बहुत गहरा सांवला रंग उसका, भला की कशिश थी। लड़कियां तो लड़कियां, मर्द भी रुककर उसे देखने लगते थे, ख़ास तौर पर उसकी आंखें, दिल में उतरती हुई आंखें थीं। कॉलेज में हम साथ थे। वो एक अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके पास चमकती हुई गाड़ी थी जिस पर वो बड़ी शान से आया जाया करता था। फिर वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मुझे याद नहीं कि उस दोस्ती की इब्तिदा कहाँ से हुई। शायद ऐसा होता है कि एक दूसरे को मकनातीसी लहरें एक दूसरे की तरफ खींचे लिए जाती हैं। दोस्ती, फिर मोहब्बत, उसके बाद शायद इश्क। हमने एक दूसरे को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कबूल कर लिया था। हम एक दूसरे के हो गए थे। शेराज ने अपने घर वालों से भी बात कर ली थी। दूसरी तरफ मेरे घर वालों को भी एतराज़ नहीं था। फिर यह हुआ, अचानक सारा मंजर बदल गया। शेराज के एक चचा थे जिनकी एक ही बेटी थी, गूंगी। वो लोग इंग्लैंड में रहा करते थे, पैसे वाले लोग थे। हज़ार तरह का इलाज कराया, इसके बावजूद उस लड़की की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। बोल ही नहीं सकती थी। फिर शेराज के चचा ने शेराज के लिए अपनी बेटी का रिश्ता भेज दिया। ये एक अजीब सूरत हाल थी। शेराज के घर वालों ने भी उस रिश्ते के लिए शेराज पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मुझे ये सूरत हाल मालूम हुई तो मैंने उससे कहा, सुनो, उस लड़की को अपना लो। क्या पागल हो गई हो, मैंने तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, फिर उसे कैसे अपना लूँ? इसके अलावा वो एक गूंगी लड़की है, इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे अपना लो। देखो, मैं अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन उस लड़की के लिए प्रॉब्लम है, कौन उसे अपनाएगा? तुम जानती हो, उससे शादी के बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ गूंगी है, बोल नहीं सकती है, देख सकती है, सुन सकती है। आसफा, तुम मुझे क्यों इम्तिहान में डाल रही हो? उसके लहजे में बेबसी थी। यार, मैं ठीक कह रही हूँ, तुम ज़रा हमदर्द बनकर तो सोचो। भूल जाओ कि वो तुम्हारी कज़न है, सिर्फ ये सोचो क्या है उसका मुस्तकबिल, आने वाला कल, उसका फ्यूचर, कुछ भी तो नहीं। तुमने अगर उसे सहारा दे दिया तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। हो सकता है कि उसने तुम्हारे ख्वाब देख रखे हों। ख्वाब तो तुमने भी देखे होंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं जानती थी कि मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हूँ, अपनी मोहब्बत को ख्वामखा की हमदर्दी में बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन कमबख्त, इस कमबख्त दिल का क्या किया जाए, वो इसी किस्म की अनहोनी किया करता है। मैडम, आप रोती क्यों हैं? किसी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये वही बच्ची थी। वो चूँकि हर दूसरे तीसरे रोज स्टोर में आया करती थी, इसलिए उसे दोस्ती सी हो गई थी। ये दोस्ती भी उसने खुद ही की थी। मैं शीशे के एक ऐसे कैबिन में बैठा करती जिसमें से पूरा स्टोर दिखाई देता था। बाहर वाले भी मुझे देख सकते थे। मैं अपने कैबिन में थी। वो एक खूबसूरत सा टेडी बेयर उठाए मेरे पास आ गई बेधड़क, जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि
कि उस बच्ची में खुद एतमादी मौजूद है। मैडम मैं कमल हूँ। वेलकम कमल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैडम ये जो टेडी बेयर है ना, ये मुख्तलिफ कलर्स में क्यों नहीं है। नहीं कमल, ये ओरिजिनल कलर में अच्छा लगता है, मैंने बताया, बिल्कुल असल मालूम होता है ना। पता नहीं मुझे बहुत से कलर्स पसंद हैं, येलो रेड ग्रीन पर्पल। मैं हंस पड़ी। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैडम क्या आप दिन भर इसी कैबिन में बैठी रहती हैं। हाँ ये मेरी ड्यूटी है। आपका दिल नहीं घबराता। बिल्कुल नहीं, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर खुश हो जाती हूँ। अभी शायद वो कुछ कहने वाली थी कि उसके साथ आने वाली मुलाजमा उसे तलाश करती हुई कैबिन में आ गई और उसे अपने साथ ले गई। मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही, फिर स्टोर की मसरूफियात ने मेरा ध्यान हटा दिया और उस बच्ची ने मुझे उस वक्त मुखातिब किया था जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं गुजरे दिन को याद कर रही थी। शराज मेरी आंखों के सामने था। उसकी शादी अपनी कजन से हो गई थी। शादी से एक रात पहले मैं और शराज एक दूसरे से मिले उसके दोस्त के फ्लैट पर, और तन्हाई मिलते ही मेरा कलेजा उमट कर बाहर आ गया। शायद पहली बार मैं शराज से लिपट कर बहुत देर तक रोती रही थी। कल से वो किसी और का होने जा रहा था, सिर्फ मैं ही नहीं, शराज भी मेरे साथ रो रहा था। आसफा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों हवाले कर रही हूँ मुझे उसके जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों नहीं शराज, अब ये कहानी बहुत आगे जा चुकी है। अब अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे घर में कयामत आ जाएगी, और ख़ास तौर पर तुम्हारी उस कज़न का क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। अब वापसी हो ही नहीं सकती थी, तीर कमान से निकल चुका था। शराज ने तो मुझे भी अपनी शादी में बुला लिया था, लेकिन मैं किस तरह किस मुंह से जा सकती थी। जिस वक्त उसकी बारात जानी थी उस वक्त तो मुझे अपने कमरे में आंसू बहाने थे। बहरहाल उसकी शादी हो गई। शादी के बाद हमने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। हालांकि किसी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन पाबंदी खुद मैंने आयद की थी। इंसान तो बहुत कमज़ोर होता है, न जाने पुराने दिन उसे कब अपने साथ ले जाएं, इसलिए उससे ना मिलना ही बेहतर था। फिर वो मुल्क से बाहर चला गया। उसने कहा था कि शायद वो अपनी बीवी का इलाज भी बाहर जाकर करवाएगा। ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद उसका पता नहीं चला, खुद मुझे अपना कोई पता नहीं था। मैं एक नींद की कैफियत में ज़िंदगी गुजारे जा रही थी। इस दौरान मेरे भी कई रिश्ते आए, लेकिन घरेलू हालात की वजह से शादी नहीं हो सकी। मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे, वालिद साहब बीमार रहते थे, सिर्फ मैं थी जो घर चला रही थी। कई बरस गुजर गए, न जाने कितने बरस। जब ऐसे हालात हों तो शब रोज दिन और रात का हिसाब कौन रखता है। मैंने भी नहीं रखा और वक्त हाथों से निकलता चला गया। और अब मैंने शहर के एक बड़े स्टोर में मुलाजमत कर ली थी और कमल नाम की एक बच्ची से मेरी दोस्ती हो गई थी। बस मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी का यही एक पहलू था। एक दिन एक अजीब बात हुई। स्टोर के जनरल मैनेजर राशिद नसीम साहब ने मुझसे कहा, आसफा मेरा ख्याल है आप अपने शौहर से सुलह कर लीजिए। शौहर से सुलह? मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। क्या कह रहे हैं, कौन शौहर? देखे ना, आपकी नाराज़गी की वजह से बच्ची परेशान रहती होगी। नसीम साहब क्या हो गया है आपको? किस बच्ची की बात कर रहे हैं? वही जो रोज़ आपसे मिलने आती है, माशाल्लाह बिल्कुल आपकी तरह है। नसीम साहब आपको शदीद गलत फहमी हुई है, मेरा उस बच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई है। आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरी तोहिन कर रहे हैं? कहिए, मजाक कर रहे हैं ना? सॉरी आसफा सॉरी, लेकिन आप उस बच्ची को ज़रा गौर से देखें, वो बिल्कुल आपकी तरह है, जैसे आपका बचपन लौट आया हो। चेहरे के नकुश, आँखें, सब कुछ आप जैसी हैं। आपने तो उस बच्ची में मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। मैंने कहा, मैंने इस अंदाज से उसे कभी नहीं देखा, अब आई तो गौर से देखूंगी। और जब मैंने उसे देखा तो खुद हैरान रह गई। नसीम साहब ने ठीक कहा था, कमल बिल्कुल मेरी ही तरह थी। वही नकुश, वैसी ही नाक, वैसे ही होंठ, वही आँखें। मैं कुदरत के उस करिश्मे पर हैरान सी हो गई। क्या इतनी शबाहत, इस कदर किसी अजनबी में हो सकती है? फ़र्क सिर्फ ये था कि वो बच्ची थी और मैंने अपनी ज़िंदगी के कई बरस गुजार लिए थे। कमल कल ज़रूर आना, कल मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगी। क्या मैडम, बताएं ना, आज नहीं, जब कल आओगी तो बताओगी। दूसरे दिन मैं घर से अपनी एक तस्वीर लेती आई थी। ये तस्वीर उस ज़माने की थी जब खुद मेरी उम्र कमल के बराबर होगी, और उस तस्वीर को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कमल की तस्वीर नहीं। मैंने तस्वीर उसके सामने रख दी। बताओ ये किसकी है? ये तो मेरी तस्वीर है मैडम। ये आपके पास कहाँ से आई? बहुत देर तक
उस तस्वीर को देखती रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी तस्वीर है। जब मैंने उसे यकीन दिलाया तो उसने कहा, मैडम प्लीज़ एक दिन के लिए अपनी ये तस्वीर मुझे दे देंगी? वो क्यों? मैं अपने पापा को दिखाऊंगी, वो हैरान हो जाएंगे। ठीक है ले जाओ, लेकिन कल वापस ले आना। दूसरे दिन कमल के पापा भी उसके साथ चले आए और वो कोई और नहीं शेराज था। पहले की तरह सिर्फ बालों में हल्की हल्की सफ़ेदी आ गई थी, वरना चेहरे पर वही कशिश थी, वही चेहरा जिसको देखकर मैं रुक जाया करती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर सकते में आ गए। बहुत देर तक हमसे कुछ बोला भी नहीं गया। जबानों पर मोहरें लग गई। अल्लाह की पनाह आसफा, ये तुम हो कमल की मैडम और ये तुम हो कमल के पापा? हाँ। वो एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। तुम ये बताओ, तुम यहाँ से ऑफ कब होती हो? बस एक घंटे के बाद। ठीक है, तो एक घंटे के बाद मिलते हैं। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इनकार या इकरार कर सकती। एक घंटे के बाद मैं धड़कते दिल और बेतरतीब कदमों से बाहर आई। वो मेरे इंतज़ार में था। मैंने कमल को घर भेज दिया और इस वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले आया। वक्त भी क्या चीज़ है आसफा, बिलाखिर शेराज ने ज़बान खोल दी। हमें अपने साथ किस तरह उड़ाए फिरता है, फिर किस तरह अचानक एक दूसरे के सामने ले आता है। कमल ने जब ये बताया कि स्टोर की मैडम बिल्कुल उसी की तरह हैं, तो मुझे उस मैडम को देखने की ख्वाहिश भी हो गई और कमल भी ज़िद करके मुझे तुम्हारे पास ले आई। शेराज, ये हैरान करने वाली बात है कि कमल बिल्कुल मेरी तरह है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं आसफा, क्योंकि वो तुम्हारी बच्ची है। क्या? हाँ, वो संजीदा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा या मजाक नहीं कर रहा। कमल किसी और की नहीं, तुम्हारी बेटी है। शेराज, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये मेडिकल का एक फार्मूला है, लेकिन इस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारी शादी तो हो गई होगी? नहीं, इंतज़ार शायद बहुत तवील हो गया है, मैंने धीरे से कहा। फिर मैंने उसे अपने बारे में बता दिया कि मैं किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम बताओ कैसी है तुम्हारी बीवी? फरजीन का तो इंतकाल हो गया है। ओह, अफसोस हुआ सुनकर। तो ये कमल? हाँ, ये बिन माँ की बच्ची है। 4 साल हो गए फरजीन के इंतकाल को, उसके बाद फिर किसी और को अपनाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तुम ये बताओ कि तुम कमल के लिए क्या कह रहे थे? वो किस तरह मेरी बेटी हो गई? वो इस तरह के फरजीन से मिलते वक्त मैंने हमेशा तुम्हें अपने ध्यान में रखा है। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन हकीकत है कि तख्लीक के वक्त जिसका तसव्वुर हो, तख्लीक उसी के रूप में सामने आती है। मैंने कभी तुम्हें फरामोश नहीं किया, कभी नहीं भुलाया, बल्कि फरजीन के चेहरे में मैं तुम्हें ही देखता था। उस दिन भी नहीं जिसकी रात सुहाग की रात कहलाती है, और आज भी नहीं जब मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। मेरे होंठ कांपने लगे थे। शेराज ने सब कह दिया कि वाकई ऐसा होता है कि चाहत में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का चेहरा अपनी पसंद के मुताबिक कर ले। दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी हो रही थी कि शेराज मुझसे अभी तक उसी तरह मोहब्बत करता है, उसने मुझे भुलाया नहीं, और जिस तरह मैं तन्हा हूँ उसी तरह ये भी तन्हा हो गया। यानी अब हम चाहें तो एक हो सकते थे, हमारी राह में कोई रुकावट नहीं थी। हम फिर इधर उधर की बातें करने लगे। शेराज ने अपने बारे में ढेर सारी बातें की, अब तक क्या होता रहा है, वो कहाँ कहाँ रहा, उसके कारोबार की क्या पोजीशन है। मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कम बातें थीं। आसफा, मुझे अब एक बात बताओ, जिस तरह बरसों पहले मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था, आज फिर बढ़ा रहा हूँ, क्या मेरी ऑफर कबूल है? हाँ, मैंने अपनी गर्दन हिलाकर इकरार कर लिया, क्योंकि अब हमारी राह में तुम्हारी ऐसी कोई कज़न नहीं जो गूंगी हो। शेराज हंस पड़ा। इतने दिनों के बाद हम हंस रहे थे पूरी बेफिक्री के साथ। फिर हफ्ते में कई मुलाकातें हुईं, हर मुलाकात में हम एक दूसरे के करीब आते गए। सारी हसरतें हमने उन दिनों में निकाल ली। फिर एक दिन शेराज ने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊं। वो किस लिए? अरे भाई, कमल की अम्मी को लाने के लिए। वो मौसूफा तुम्हारे घर में छुपी बैठी हैं, तो क्या वो इतनी आसानी से आ जाएंगी? आना तो पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि बजाय शेराज के एक औरत मेरे पास आ गई। वो तीखे नकोश की एक बावकार औरत थी, बहुत ही संजीदा। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान होगी। वो मुझसे मिलने के लिए स्टोर में आई थी। उसने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम नौरीन है और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी फरमाइए। इस तरह नहीं, इत्मीनान से बात होगी। जब आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाए, सामने वाले होटल में चलकर बैठ जाते हैं। वो कौन थी, क्या थी? ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैं स्टोर से बाहर आई तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम होटल में आकर बैठ गए। जी फरमाइए। आसफा साहबा, मैं कमल की खाला हूँ, यानी मरहूमा फरजीन की बहन। ओह, मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप शेराज को
उसके हाल पर छोड़ दे। आप नहीं जानती कि मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है जी। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुन रही थी। जिस तरह आप उससे प्यार करती हैं उसी तरह मैं भी करती हूँ, लेकिन कभी इजहार की नौबत नहीं आई। उसने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर आपका कब्जा था जो आज तक बरकरार है। फिर यह हुआ कि उसकी शादी फरजीन से हो गई। मैंने इसीलिए कुर्बानी दे दी कि एक तो वो मेरी बहन थी, फिर गूंगी भी थी। उसकी ज़िंदगी और आने वाले कल के लिए मैं खामोश रही। वो बड़ी रवानी के साथ अपना हाल सुनाए जा रही थी। मैं सिर्फ उसकी सूरत देख रही थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। फिर यह हुआ कि फरजीन का इंतकाल हो गया। उसने बात आगे बढ़ाई। उसके बाद शिराज बीमार पड़ गया, उस पर फालिज का अटैक हुआ, उसका आधा जिस्म बेजान हो गया। उसकी उस बीमारी के दौरान मैंने उसकी इतनी खिदमत की जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। रात दिन उसकी खिदमत में रहती और उन्हीं दिनों कुर्ब की वजह से मेरी मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच गई। मुझे यकीन था कि अब शायद मैं शिराज को हासिल कर लूँगी, क्योंकि एक तो फरजीन का इंतकाल हो चुका था, दूसरी बात यह है कि कंवल मुझसे बहुत मानूस थी, शायद ऐसा हो भी जाता। फिर न जाने कहाँ से आप दरमियान में आ गई और मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। क्या आपने शादी नहीं की? नहीं, हालात ऐसे बनते रहे कि मेरी शादी नहीं हो सकी। मेरा ख्याल है इस मामले में हम दोनों के केस एक जैसे ही हैं। जी हाँ, उसने अपनी गर्दन हिला दी। अब ये बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने बता दिया है क्या चाहती हूँ। नौरीन साहिबा, मेरी समझ में नहीं आया कि इस रिश्ते की आपके नज़दीक क्या अहमियत है। यानी आप ये समझती हैं कि मोहब्बत शायद लिबास की तरह है, जब चाह पहन लिया और जब चाह उतार कर एक तरफ फेंक दिया। ऐसा नहीं होता, ये दो तरफा रजामंदी से होता है। आप शिराज को मजबूर नहीं कर सकती कि वह आपसे मोहब्बत करे, ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता। आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए, और अगर ऐसी बात आप करती हैं तो खुद शिराज से पूछ लें, देखें वो क्या कहता है। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, फिर मैं शिराज से पूछ ही लेती हूँ। उसी वक्त शिराज वहाँ पर आ चुका था। शिराज, तुम आसफा से शादी करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और इसी वजह से अपनी बहन को भी बर्दाश्त नहीं किया मैंने। क्या मतलब? हाँ, वो अपनी मौत आप नहीं मरी बल्कि मैंने उसे मारा। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। तुम पागल हो गई हो? अपनी बहन को मार दिया? हाँ, इसलिए कि उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, और अब जबकि तुम मेरे बन जाते मेरी खिदमत के बाद, तो ये औरत बीच में आ गई। इसकी शादी तुमसे नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। गूंगी बहन को तो हटा दिया, इसको भी हटाने में कोई देर नहीं करूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, शादी मुझे इसी से करनी है, और तुम्हारे सच के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेशक तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन इस प्यार में झूठ था, दिखावा था। अपनी बहन को मार दिया तुमने? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा। मुझे तुमसे नफरत है, मेरी मोहब्बत हमेशा से आसफा है और यही रहेगी। एक बार कुर्बानी दे चुका हूँ, अब नहीं। और फिर वो वहाँ से मुंह लटकाते हुए चली गई। शिराज बहुत नाराज़ हो रहा था, थोड़ी देर के बाद सही हो गया। मैं चाहता तो उसे जेल भी भेज सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। वो फरजीन की बहन है, जो किया अपनी बहन के साथ किया। शिराज, तुम अभी मुझसे शादी करोगे? क्यों नहीं, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इश्क किया है तुमसे, इश्क की सरहदें पार करके आज इस मंजिल पर पहुँचा हूँ। इश्क की आग में चलता रहा हूँ। मेरी बेटी की सूरत में तुम्हारे सामने मेरी मोहब्बत मौजूद है, क्या मुझे नहीं अपनाओगी? बिल्कुल अपनाओगी। और फिर हम दोनों की शादी हो गई। आज मैं, कमल और शिराज एक साथ रहते हैं। एक दिन खबर मिली कि नौरीन ने खुदकुशी कर ली।